अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम CS5 का लेक्चर नंबर 31 देखेंगे और 32 देखेंगे कि कौन सी इन दो लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थ्योरी में से जो पेपर में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। सो जो बच्चे इस वीडियो पे न्यू हैं वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जितनी भी इनकमिंग वीडियो होगी लेक्चर से रिलेटेड या अदर कोई भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप जल्दी वीडियो वॉच कर पाएँ। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 31 में हमें सेशन ट्रैकिंग का बताया गया है, कंसेप्ट दिया गया है, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था और यहाँ जो है पूरा लेक्चर बल्कि दो लेक्चर 31, 32 इसी पे हैं। तो बिल्कुल जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और जो बच्चे इस लेक्चर पे न्यू हैं उनको बताते चलूँ कि आप लोगों को कोडिंग में जो MCQs आते हैं वो आप लोगों को स्टेटमेंट ही पूछी जाती हैं। कोडिंग की कोई भी बुक्स हैं उसमें ट्रू फॉल्स और यस नो वाले MCQs आते हैं मोस्टली, और बाकी जो हैं कुछ कोडिंग के लिहाज से भी MCQs होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो स्टेटमेंट ही होती हैं कोडिंग की बुक के अंदर, क्योंकि थ्योरी कम होती हैं, कोई इतनी खास इसके MCQs नहीं मान रही होती, इस वजह से फिर स्टेटमेंट ही हमसे पूछी जाती हैं। हालाँकि ये यस है या नो है या फिर ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोगों ने उस लिहाज से इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेशन ट्रैकिंग में कुकीज़ का कंसेप्ट दिया गया है, जो कि सेशन ट्रैकिंग में कुकीज़ की तकनीक इस्तेमाल होती हैं। इसमें है कि कुकीज़ जो होती हैं उसको हम मोस्टली स्मॉल इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड पर जो है पुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूसरे जो है पर्पज़ के लिए भी इसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं कुकीज़ को, बिसाइड द सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई हैं जो कि ऑनलाइन बुक शॉप की हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका दूसरा जो है वो स्टोर और स्टेज समवेयर का कंसेप्ट दिया गया है। स्टेज आपको पता है जो है हालत की ओर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये है कि स्टेज होती हैं मोस्टली ना तो ये कम्प्लीटली हम सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं ना ही क्लाइंट साइड पे, लेकिन जो है ये कोऑपरेशन है बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर का म्यूचुअली कोऑपरेशन जो होता है स्टेज को मेंटेन रखने के लिए, और मॉडर्न सर्विसेज जितनी भी हैं वो हमें जो है स्टोर करने के लिए स्टेज को ऑन सर्वर साइड पर और सम अदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। मॉडर्न जितनी भी जो हैं सर्विसेज हैं वो सर्वर साइड पर जो है स्टेज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी हमें देती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट नोट्स का यहाँ पे कंसेप्ट दिया है कि पोस्ट नोट्स मोस्टली जो है इसको हम इस मीन में ले सकते हैं कि कन्वर्जेशनल स्टेट को मेंटेन रखने के ऑर्डर में जो है हमें एक लिटिल छोटा सा नोट्स जो है सर्वर पुश करते हैं। जो ये नोट्स होते हैं वो कुछ टेक्स्ट भी हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है या फिर वैल्यू हो सकती है किसी चीज़, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हैं यहाँ पर 3 सोल्यूशन इसके सेशन ट्रैकिंग के दिए गए हैं। कुकीज़ हैं उसमें यूआरएल यूनो जो है ये एक लिंक ही होता है जो कि अक्सर हम हमारा गूगल वगैरह के अंदर हम जो है राइट करते हैं कोई लिंक किस चीज़ का, तो यूआरएल उसी चीज़ को ही बोला जाता है। कुकीज़ आती हैं इसमें, कुकीज़ मोस्टली तो हम यहाँ पे बिस्कुट वगैरह को बोलते हैं या फिर स्मॉल पीसीज होती हैं स्वीट केक के उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस बुक के अंदर इसका कुकीज़ का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो स्मॉल पीसीज होती हैं टैक्स के, जो कि क्लाइंट्स की डिस्क पर स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। यूआरएल री राइटिंग है और यह पेटर्न फील्ड्स हैं, ये तीन इसकी जो हैं वो इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 2-3 लेक्चर में। इस लेक्चर्स में जो है कुकीज़ का बताया गया है, तो यहाँ पे है कुकीज़ की डेफिनेशन दी गई है और जो कि शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं और MCQs भी आ सकते हैं इसका कि ट्रू है या फॉल्स है। तो कुकीज़ होती हैं वही जो मैंने आपको बता दी हैं, टैक्स के स्मॉल पीसेज होते हैं वेब सर्वर पर जो कि क्लाइंट हार्ड डिस्क पर जो है स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ के अंदर तो सारी एग्जांपल ही दी हुई हैं कुकीज़ की, और यहाँ पे कुकीज़ के यूजेस जो हैं
बताए गए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पे हम कुकीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके यूजेस बताए गए हैं। यहाँ पे उनकी एग्जांपल भी साथ में दी गई हैं। यूजर्स जो है ई-कॉमर्स सेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूजर्स को हम ड्यूरिंग ई-कॉमर्स सेशन के लिए हम कुकीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अवॉर्डिंग यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजिंग साइट और फोकस एडवर्टाइजिंग, इन तमाम चीज़ों में हम कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके यूजर्स जो है कुकीज़ के ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी, और साथ साथ जो है इसमें से कुछ स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है कि कुकीज़ इसके लिए यूज़ होती हैं, यानी एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो जो है वो जो है सेंडिंग कुकीज़ टू ब्राउज़र में हम कुकीज़ सेंड करते हैं, तो उसके यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, तो ये भी हमें शॉर्ट्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि कुकीज़ के ब्राउज़र में सेंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज़ होते हैं। तो ये तमाम स्टेप हैं जो कि आप लोगों ने इनको अच्छी तरह रीड करना है वन बाय वन, और जो है इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इनको सबको करना है। नंबर वन पे जो स्टेप है वो क्रिएट अ कुक ऑब्जेक्ट का है, और कुक सेटिंग कुकीज एट्रीब्यूट्स का है। उसके बाद जो है प्लेस द कुकीज इनटू HTTP रिस्पॉन्स का, यहाँ पे हमें जो है स्टेप दिए गए हैं, थ्री जो है इसके स्टेप हैं। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है, पॉइंट आता है, वो रीडिंग आता है कुकीज़ का फ्रॉम द क्लाइंट साइड की तरफ से। वहाँ पे जो स्टेप हैं पॉइंट से थ्री पॉइंट, वो जो है ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ को हम जब जो है यूज़ करते हैं उसके यहाँ पे रीडिंग करते हैं कुकीज़ को फ्रॉम क्लाइंट साइड पे, तो इसमें वो वाले कंसेप्ट जो है पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, जो हम इसमें स्टेप यूज़ करते हैं वो रीडिंग इनकमिंग कुकीज़ जो कुकीज़ आ रही होती हैं उसको सबसे पहले रीड किया जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद लूपिंग जो है कुकीज़ अरे की जो है लूपिंग होती है, तो इसमें टू इम्पोर्टेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं कुकीज़ की क्लास के लिए, वो गेट हैं और जो साथ में हैं वो गेट नेम है और गेट वैल्यू का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम जी को इसके लिहाज से कि जो मतलब लूपिंग होती हैं लूप डाउन कुकीज़ अरे के अंदर से, उसमें दो इम्पोर्टेंट मेथड्स कौन से हैं, तो गेट नेम और गेट वैल्यू का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं, ठीक है, ये तमाम इसकी कोडिंग हैं, और जो कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और पेपर में कोडिंग के रिलेटेड भी हमें चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन आता है लोग, और यहाँ पे ऑनलाइन बुक स्टोर के लिए जो एग्जांपल है और उसकी कोडिंग वगैरह की हुई है, ठीक है। बाकी जो है ऊपर मैंने थ्योरी में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता दी हैं, बाकी ये जो चीज़ें हैं सारी ये कोडिंग हुई हुई हैं उन तमाम जो ऊपर हमने देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 32 है, जो कि सेशन ट्रैकिंग के ऊपर है, 31 भी और 32 भी मैं पहले जैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सेशन ट्रैकिंग में फर्स्ट में हमने कुकीज़ को देखा था, 30 क्वेश्चन थे सेशन ट्रैकिंग के, कुकीज़ थी और यू आर री राइटिंग था और फील्ड्स के मतलब था, पॉइंट कुकीज़ को हम देख चुके हैं, और इस लेक्चर में यू आर री राइटिंग का है। तो यू आर री राइटिंग जो होते हैं द परमानेंट दैट वी वांट टू पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट इज अपेंडेड टू द URL, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जो है ये यहाँ पे इसके फॉर्म दिए गए हैं कि इस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन आती हैं, वो एक्स्ट्रा पाथ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद एड पैरामीटर्स हैं, सम कस्टमर सर्विस स्पेसिफिक यू आर, ठीक है। द एक्स्ट्रा यूज लिमिट टू यूनिक सेशन आईडी, और यहाँ पे री राइट पास द सेशन आईडी 123, यहाँ पे कुछ ये URL दिखाए गए हैं जो कि री राइट हुए हैं, उनकी एग्जांपल यहाँ पे ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पे री राइट और 123 ऐड किया हुआ है, आईडी इक्वल 123 ऐड पैरामीटर्स हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर चेंज किया है, तो ये वाला URL यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह माइंड में रखना है ओरिजिनल के लिए, और फिर एक्स्ट्रा पाथ इंफॉर्मेशन यूज़ किया हुआ है, ऐड पैरामीटर्स किया हुआ है, फिर कस्टमर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से URL बन रहा है। उसके बाद हमें जो टॉपिक दिया गया है वो डिसएडवांटेज हैं ऑफ URL राइटिंग के, कि अगर हम URL को रीराइट करते हैं
तो देन उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में आ सकते हैं इसके डिसएडवांटेज, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है इसके तमाम जो है एडवांटेज यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छी तरह आप लोगों ने देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसकी कोडिंग हो जाती है ओरिजिनल यूआरएल का, यहाँ पे यूआरएल दिखाया गया है, उसके बाद उसमें आफ्टर एडिंग करने के बाद जो है इस तरह का बन जाता है यूआरएल है, ठीक है। तो ये तमाम जो है दिखाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे इसकी कोडिंग की गई है सारी और इन तमाम की, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो हमें पॉइंट था, सोल्यूशन था, सेशन ट्रैकिंग ओरिजिनल फॉर्म फील्ड था जो कि HTML फॉर्म्स होता है, तो ये जो इफेक्ट नहीं करता पेरेंट्स पर, ऑफ HTML पेज जो होते हैं उसके पेरेंट्स पर कोई हिडन फॉर्म फील्ड इफेक्ट नहीं करती, तो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये तमाम इसके यहाँ पे जो है कोडिंग की गई है और बताया गया है। उसके बाद है जावा सॉल्यूशन फास्ट सेशन ट्रैकिंग के लिए, तो जावा बिल्कुल जो है एक्सेलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम जो होते हैं सेशन ट्रैकिंग, जितने भी प्रॉब्लम रखकर होते हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एक्सेलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जावा, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कि वर्किंग विद HTTP सेशंस के लिहाज से जो है इसमें इसके भी कुछ स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, तो वर्किंग विद HTTP सेशंस के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो गेटिंग का है द यूज़र सेशन ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए हम गेट सेशन मेथड्स यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे इसके जो है सारा दिखाया गया है यहाँ पे राइट हो के जो है मैथड इनके। उसके बाद हैं कि अगर नंबर टू पे है कि स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सेशन में टू नंबर पे जो पॉइंट आता है, तो इसके लिए हम सेट एट्रीब्यूट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं इस के स्टेप में। नंबर थ्री पे जो है वो लुकिंग अप इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द सेशन, तो इसके लिए गेट मेथड ऑफ HTTP सेशन क्लास का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इनको अच्छी तरह देख लेना, ये थ्री इसमें थी। उसके बाद है नंबर फोर पे जो स्टेप आता है वो ये होता है कि वो टर्मिनेट हो जाता है सेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब उसका टाइम जो होता है वो आउट हो जाता है या जो सेशन का, देन सेशन टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इसकी सारी जो है कोडिंग दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है, ये तमाम आए हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, ये इनकोडिंग URL सेंड टू क्लाइंट, इसका भी जो है ना यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है रिराइट इनकोड का। इसमें जो है टू मेथड्स इनकोडिंग URL में टू मेथड्स यूज होते हैं, स्ट्रिंग इनकोड URL होता है और स्ट्रिंग इनकोड रीडायरेक्ट URL यूज होते हैं, ठीक है। मेथड इनकोड में स्पेसिफिक URL इंक्लूड होते हैं, और इन दोनों में जो डिफर है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इन दोनों में जो डिफर हैं डिफरेंस हैं इनकोड URL में और इनकोड रिडायरेक्ट URL में, तो ये जो है हमें शॉर्ट में आ सकते हैं कि इन दोनों में डिफर क्या है, या फिर जो है MCQs में भी आ सकते हैं कि इनकोड URL में और इनकोड रिडायरेक्ट URL में इन दोनों में डिफर क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा इन दोनों में यहाँ पे दिया गया है, ये इनकोड URL का डिफर बताया गया इतना, और ये जो है इनकोड रिडायरेक्ट का इतना बताया गया है, ठीक है, ये इतना इन दोनों में डिफर है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह जो है देख लेना है कि इनकोड URL जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द URL दैट एम्बेडेड इन द वेब पेज में, जबकि इनकोड रिडायरेक्ट URL जो होता है वो यूज़ करते हैं फॉर URL दैट रेफर्स करता है यूर साइट इज इन सेंड रिडायरेक्ट कॉल में, ये इनमें डिफर है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी कोडिंग दिखाई हुई है सारी, देन सम मेथड्स ऑफ HTTP सेशन के यहाँ पे कुछ मेथड दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल सेट एट्रीब्यूट्स का है, गेट एट्रीब्यूट्स का, रिमूव एट्रीब्यूट्स का, इन मेथड को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करना है, इसके लिए मकसद के लिए यूज़ करते हैं। गेट ID है, गेट क्रिएशन टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो है गेट मैक्सिमम मैक्स का वर्ड यूज़ हुआ है इन एक्टिव इंट्रोवर्ट के लिए, और ये मेथड यूज हो। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, लेक्चर नंबर 33 जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। सो प्लीज़ आप लोगों से जाते जाते फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं
और जो है अगर आप चाहते हैं कि इनकमिंग लेक्चर्स भी आप तक पहुंच जाए जल्दी, आप वाच कर पाएँ, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी सारे लेक्चर्स ही जो है अपलोड करूँ जैसे जैसे मुझे टाइम होता है। तो ट्राई करूँगी आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आप लोग प्रोवाइड कर दूँ। तो उसके लिए आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी फिर इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।